आज झलकियां पेश की जा रही हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के जीवन की। सन 1961 में उनकी गोरखा रेजिमेंट अफ्रीका में शांति सेना का साथ देने के लिए भेजी गई। वहीं उन्होंने शांति सेना की रक्षा में जीवन का बलिदान देकर देश का मान बढ़ाया। और वह पहले एनडीए के पूर्व छात्र थे और भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन सेना अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अर्थात यूएन पीस कीपर है। दोस्तों, मैं सौरभ मंडल इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आपको इस चैनल में दोबारा स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को जामवाल शकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत के पास एक गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। वह मुंशीराम और धन देवी के 5 बच्चों में से दूसरे थे। उनका परिवार राजपूत था और वे सैनी जाति के सदस्य थे। उनके पिता को पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के हडसन हॉर्स रेजिमेंट के डोगरा रेजिमेंट में शामिल किया गया था। अपने पिता और उनके रेजिमेंट की कहानियों को सुनकर सलारिया ने बहुत कम उम्र में सेना में शामिल होने का प्रयास किया। भारत के विभाजन के बाद सलारिया का परिवार पंजाब के भारतीय हिस्से में चला गया और गुरदासपुर जिले के जंगल गांव में बस गए। सलारिया ने स्थानीय गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वह अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अपना ज्यादातर समय कबड्डी खेलने में बिताते थे। जुलाई 1946 में उन्होंने किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बैंगलोर में प्रवेश करने के लिए आवेदन किए। हालांकि उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली परंतु वे मेडिकल परीक्षा पास नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अगस्त में दोबारा कॉलेज में जाने के लिए आवेदन किया तो उन्होंने इस बार दोनों परीक्षा ही पास कर ली और कॉलेज में भर्ती हो गए। फिर अगस्त 1946 में उन्हें जलंधर ट्रांसफर कर दिया गया और वे रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से पास आउट हो गए और पास आउट होने के बाद वे नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती हो गए। उसके बाद वे 1956 में एनडीए से ग्रेजुएट हुए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन हुए और उसके बाद वे 9 जून 1957 में वो कमीशन हुए और सेकंड लेफ्टिनेंट का औहदा मिला उन्हें। सलारिया को शुरू में 2री बटालियन 3री गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में 9 जून 1959 को लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोशन के बाद उन्हें मार्च 1960 में उन्हें 3री बटालियन 1री गोरखा राइफल्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। पांच सितंबर 1961 को 3री बटालियन 1 गोरखा राइफल्स को रणनीतिक जगह पर एलिजाबेथ विल्स हवाई अड्डे के रास्ते में सड़क को साफ करने का काम सौंपा गया था। 2 आर्मर्ड कार्स के साथ 150 लोगों द्वारा सड़क को रोका गया था। मेजर गौरव शर्मा के नेतृत्व में चार्ली कंपनी द्वारा किए जाने वाले पहले हमले की योजना थी। कैप्टन सलारिया अल्फा कंपनी के एक प्लेटून के साथ एयरपोर्ट रोड के करीब उन लोगों को पीछे हटाने और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला करने का आदेश दिया गया था। बाकी अल्फा कंपनी को रिजर्व पर रखा गया था। योजना को दोपहर में अंजाम दिया जाना था। कैप्टन सलारिया और उनके सेना अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के साथ स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच गए थे। उन्हें रोड ब्लॉक से लगभग 1500 गज पर तैनात किया गया था। उनकी रॉकेट लॉन्चर टीम जल्दी ही उन्हें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ी। इस प्रत्याशित कदम उन लोगों के भीतर भय और असंगठित कर दिया। सलारिया ने महसूस किया कि उनके पुनर्गठन से पहले हमला करना ही समझदारी होगी। रेडियो पर एक अन्य अधिकारी से उन्होंने अंतिम शब्द कहे, मैं हमले में जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं जीत कर ही आऊंगा। हालांकि सलारिया के सैनिक संख्या में काफी कम थे परंतु गोरखा युद्ध का नारा लगाते हुए आयो गोरखाली चिल्लाते हुए अपने अपने हाथों में खुकरी थामे और उनको उलझाते हुए उन पर हमला कर दिया। सलारिया और उनके आदमियों ने 40 लोगों को मार दिया परंतु अंत में सलारिया के गर्दन में 2 गोली आकर लगी और वह ब्लड लॉस के कारण ट्रेंच के लास्ट लाइन पर जाकर गिर पड़े। उनके सेकंड इन कमांड को आदेश दिया गया था कि वे जल्दी से जल्दी हवाई अड्डे उनको लेकर जाएं। भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में उनको बहुत क्षति पहुंची
और लगभग आधे लोग उनके मारे गए और वे अपने मृतकों और घायलों को पीछे छोड़कर असमंजस में भाग गए। अपने कर्तव्य साहस और अपने सुरक्षा के प्रति अपेक्षा के लिए सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन सलारिया को भारी बाधाओं के सामने अदम्य साहस दिखाने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह से परवाह न करते हुए अपने से कई बड़े दुश्मन से मुकाबला करने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनके पिता मुंशी राम सलारिया ने 26 जनवरी 1962 को प्राप्त किया था। बहादुर अधिकार के सम्मान में नेशनल डिफेंस एकेडमी के एक चौराहे का नाम सलारिया रखा गया है। 5 सितंबर 1992 को सेना डाक सेवा कोर ने कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। हिमाचल प्रदेश के थापातू में 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में उनके नाम पर एक स्टेडियम है। 1984 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात SCI ने अपने एक तेल के टैंकर का नाम कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया PVC रखा था। उल्टी राइफल और शीश पर हेलमेट उस स्थान को चिन्हित करता है जहां कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया ने कांगो में उनके जीवन का बलिदान दिया था। सिर्फ एक खुकरी से लैस अंत तक एक बहादुर सैनिक। जय माँ काली, आयो गोरखाली। Don't forget to like, share and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.